ओम शांति। आज का सोमन, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। चिंतन, सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी? किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योगी का अनुभव होता है? योग अभ्यास में आत्मा बाबा के साथ कंबाइन हूँ। सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे और मेरा बाबा शब्द की स्मृति से सहज योगी बन अभ्यास करें कि करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। बाबा से गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है। बाबा ने आज हमें सम्मान दिया, बच्चे तुम सहज योगी हो, तो सहज योगी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योगी का अनुभव होता है? तो आज हम उस पर विचार सागर मंथन करेंगे। सबसे पहले सहज योग को देखेंगे। सहज योगी में दो शब्दों का जोड़ है, सहज भी और योगी भी। तो योगी वो जो सदा योग की स्थिति में सदैव एकाग्र और एक नामी हो, जिसका योग नेचुरल हो। ऐसा नहीं कि जब योग कर रहे हैं तब तो स्थिति ठीक है, पावरफुल है, पर योग पूरा होते ही कोई थोड़ी सी बात में उलझते रहे और यहाँ तो क्रोधित हो जाए और योगी की अवस्था जो है वो बिगड़ जाए। योग को अपनी नेचुरल और सहज योगी जीवन बनानी है। योग यानी याद, तो हमें सदैव और नेचुरल कौन याद आता रहता है? तो उसका फर्स्ट आधार है याद, हमेशा उसको निरंतर आएगी जिसका हमारे साथ परिचय हो। तो ब्राह्मण बनते ही हमें अपने भी और भाभा का भी यथार्थ परिचय मिला। अब दूसरा है आधार, हमें वो याद सदैव आता है जिससे कोई भी संबंध हो। तो हमारी आत्मिक स्मृति आते ही, आत्मिक तिलक लगाते ही मेरे सारे संबंध तो बाबा से जुड़ गए। इसलिए तो आत्मा सदैव गाती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उसके हर पल याद करते, साथ रहते, सर्व संबंध जुड़ते जाते हैं। याद का तीसरा आधार है स्नेह। अब हम देखेंगे स्नेह कौन है। स्नेह के भी तीन प्रकार के होते हैं। एक स्नेह होता है जो करने वाले, दूसरा स्नेह निभाने वाले, और तीसरा है स्नेह में समाये हुए समान। तो स्नेह में समान अर्थात बाबा समान बनना। तो स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है और कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये है पहले प्रकार के स्नेही। अब दूसरे प्रकार के जो स्नेही निभाने वाले हैं, स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रेस्पॉन्ड देना, यानी रिटर्न देना। तो स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाबा बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो ये जो दूसरे नंबर की आत्माएं हैं वो बाबा के समीप तो हैं लेकिन फिर भी समान नहीं है। तीसरे प्रकार के जो स्नेही हैं, जो सदैव बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाबा का साथ सदा ही अनुभव होता रहता है। वो भाव से जुदा नहीं और भाव उनसे जुदा नहीं। हर समय बाबा के स्नेह का रिटर्न में उनको क्या मिलता है?
उनके रिटर्न में उनसे बाबा से प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न रहते हैं। स्नेह में समाये हुई आत्माएं सदा हर प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक भाव दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहते हैं। उनके अंग संग रहते रहते उनसे स्नेह और ही बढ़ता ही रहता है। तो अब आत्मा उसके बिगर एक पल भी रह नहीं सकती। जैसे शरीर और आत्मा जीवन भर साथ हैं, वैसे ही आत्मा और बाबा कंबाइंड हो जाते हैं। और जिससे जितना ज्यादा स्नेह होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो अपने स्नेही को ही विल करते हैं। तो बाबा ने सर्व प्राप्तियां जो हम उनके खान है वो भी हमें गिफ्ट के रूप में हमें दे दी है। अब तो हमारे पास अनेक प्राप्तियों के आधार पर भी बाबा और मैं आत्मा सदैव कंबाइंड रहती हूँ। कंबाइंड यानी एक पल के लिए भी उससे जुदा ही सहन नहीं होती। हर पल हर क्षण कंबाइंड अब तो अनुभव हो रहा है उसके कंबाइंड स्वरूप का, जिससे हर कार्य सहज बनता जा रहा है। क्योंकि कंबाइंड बाबा का अनुभव हर पल हो रहा है। हम एक कार्य करने जा रहे हैं तो बाबा की हजार भुजाएं साथ है, तो कम समय में बाबा की हजार भुजाओं होने के कारण हमारे हजार कार्य सफलता मूर्त बनते जा रहे हैं। क्योंकि करण करावनहार तो बाबा ही है, वो मेरे साथ है और स्वयं उसकी सर्व गुण और शक्तियां भी हमारे साथ है। वो सब कुछ कर रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। इससे हम फिर डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव हो रहा है। मैं तो सिर्फ सोचती हूँ और वो तो हर कार्य मेरा सफल करता ही जा रहा है। बाबा जो हम बच्चों को कंबाइंड स्वरूप से सूक्ष्म सर्व शक्तियां सर्व गुणों की विशेष बल भी बढ़ रहा है। इस निराकारी निश्चय क्या नशे में मैं आत्मा बाबा का साथ कंबाइंड हूँ। दूसरा, बाबा से सर्व संबंध का रस का भी नशा, ये नशा खुशी निरंतर मुझे सहज योगी बना देती है। तो सदैव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाए ये सफलता के साधन भी हैं, तो हमेशा मुझे पावरफुल और सहज योगी भी बनाते हैं। ऐसे साथी दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो हर पल हर जगह साथ निभाता हो। मैं आत्मा ऐसे अनोखे साथी को भूल भी जाती हूँ, पर वो कभी मुझे भूलता नहीं है। सदैव मेरे अंग संग रहता है। बाबा का हर पल का संग ही मेरी छत्र छाया बन हमारी रक्षा करता है। जिसके अंदर माया की परछाई विकारों की धूप व बारिश नहीं आ सकती, बाबा का साथ ही है तो मैं बेफिक्र हूँ, बेगमपुर बादशाह हूँ, इलाही मस्ती में मस्त हूँ। ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई, लाइट पंख से भी हल्की। बाबा मुझ कहीं भी उड़ाकर ले जा रहे हैं, परंतु बाबा का ये साथ मुझ आत्मा को पावन तो बनाता ही है, लाइट रखता है, लेकिन सारे कल्प की मुझे भाग्यशाली भी बना देता है। हर जगह मेरा साथ भी निभाता है, जहां भी मुझे जरूरत है उसकी। ये ही एक सच्चा साथी है। बाबा साथ है तो हर कार्य हर बात सहज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा की स्मृति भूलने से आत्मा कमजोरी अनुभव करती है और छोटी सी छोटी बात से मुश्किल लगती है। अब मैं बिंदु आत्मा बिंदु सर्वशक्तिवान बाबा से कंबाइन हूँ। अब तो मेरी हर मुश्किल हर समय में हर मुश्किल का सहज करने वाली मैं सहज योगी आत्मा बन गई। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना।
कोटि कोटि प्रणाम, बलिहार जाऊं वारी जाऊं बाबा आप पर। ओम शांति शांति शांति।